ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 437 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बुलारे कुलविंदर सिंह ने आख्या कि सरकार दी हिदायतों के मुताबिक पाकिस्तान जाने वाले सिख यात्रियों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। सानू जी श्रोमणी कमेटी बुलाया इतने साडे जिन्ने भी मतलब कोरोना टेस्ट होंगे और जे जिहड़ा मतलब कोरोना नैगेटिव हो जाऊगा और इस करके सानू इत्थे बुलाया गया। हाँ वो जितों भी अं गुरद्वारा साहब जाने मतलब जिन्हें पाकिस्तान के वह सिखा नहीं मिलेंगे क्योंकि हो सकता उन्होंने कोरोना साडा बचाव हो सकता है। ये बहुत वधिया जी दर्शन करने मिल रहे आप पिछले साल भी जाना पिछले साल मतलब लॉकडाउन करके कैंसल हो गया जी तो आशा रखी फिर इस तरह भी हम मौका मिल गया जाने वास्तव अं जी विसाखी वास्ते जा रहे हैं खालसे का जन्म दिहाड़ा मनाने वास्ते ननकाणा साहब जा रहे हैं जी तो उत्थे साडा वीजा लगा वा तो अं उ संगत के नाल जा रहे श्रोमणी कमेटी का बहुत धन्यवाद करते। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ा विसाखी पुरब मनाने वास्ते जत्था पाकिस्तान की धरती पर जाना वो वास्ते हालातों के मद्देनज़र क्योंकि समुचे संसार जिहड़ा वो करोना महामारी चल रही है असी जिहड़े यात्रू साहबान साडे वालों जिहड़ा वो यात्रा च जा रहे ने उन्हां वास्ते असी जिहड़ा हैगा वो सेहत विभाग नाल संपर्क करके दो दिन का जिहड़ा इत्थे बकायदा कैंप जिहड़ा लवाया अज 9 ते कल 10 नूं इह दो दिन जारी रहेगा। थाना सी डिवीजन पुलिस ने दोषी सोनू नूं गिरफ्तार करके इसके कब्जे विचों 40 ग्राम हैरोइन बरामद की है। दोषी तों अगे पुछगिछ जारी है।